tablet kasi ang ano mo? हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिदेरिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। अभी सुबह का भी 8 बज रहा है और आप सभी लोगों को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग तामिनी बाबू और हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि तामिनी का पापा का तबीयत खराब है। कितना ज़्यादा धूप था इसलिए तबीयत खराब हो गया और बाबू भी हंस रहा है। तो अभी चांदनी क्या हो रहा है कि शरबत बनाएगी। तो शरबत के लिए पानी, नींबू, चीनी सब ले आई। देखिए, यहाँ लोटा में पानी ले आई है और देखिए ये घोलने वाला। इसमें क्या घोलेगी चांदनी? क्या घोलेगी? शरबत। पहले चीनी डाल लो, चीनी। बहुत ज़्यादा धूप निकल गया है और इधर मिस्त्री भी आ गए हैं और इधर काम कर रहे हैं इधर। और इधर मम्मी जी भुजिया बना रहे हैं। आज हर जो बनेगा आलू का भुजिया कोयला का चूल्हा में। फिर में नहला देंगे और झाड़ू उड़ू लगाएंगे अंदर में रूम सब में। बन गया चांदनी? दो हम घोल देते हैं। तो बनने दो उसके बाद ये सबको। और अभी बच्चा है ये वाला, दादी को देना है और चांदनी पिएगी। चांदनी एक बार पी ली है। तो पहले हम रूम को साफ सफाई कर लेते हैं। राज झाड़ू पानी मार दे बिना दे दे और इधर से नीतू आ गई। कहाँ गई थी? कहीं नहीं। अच्छा, पैर हाथ धो लिया अच्छा से क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना। अब हम फटाफट से झाड़ू लगाते हैं। इसमें सूप में कचरा उठा लिए, अब इसको फेंकते हैं। तो रूम का साफ सफाई हो गया है। अब देखिए रूम कैसा लग रहा है। साफ सफाई होने के बाद अच्छा दिखता है ना। नहीं तो पूरा सामान इधर उधर बिखरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। और बाबू भी खेलता है ना तो इसीलिए सामान इधर उधर छिड़ते रहता है। और हम लोग कल लेके आए थे इन्वर्टर, बैटरी, और इधर काम चल रहा है इसीलिए पूरा सामान एकदम पूरा बिखरा हुआ है। ये बिजली का सामान है। देखिए ये वाला कुर्सी टूट गया। और देखिए इधर से नानी जी भी आ गए। किना लगा नानी इधर? ओ हंसुआ, बाल नहीं काटने के लिए गए थे ना? इनका पापा बोलते हैं, मना करते हैं नहीं जाने के लिए, लेकिन फिर भी जाते हैं बाल नहीं काटने के लिए। मिल लो देखिए यहाँ चांदनी खा रही है। वो नानी जी का पुनः आएंगे, इसके बाद खाएंगे। तो पहले हम खाना लेके आते हैं यही रूम में क्योंकि किचन में खाने से ना बहुत गर्मी लगता है, इसलिए यही रूम लेके आएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। अब वही वाला रूम में खाएंगे क्योंकि ये वाला रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और इधर मिस्त्री जी काम कर रहे हैं। तो बाबू भी उठ गया है और इधर नानी जी भी खाना खा रहे हैं। एकदम नहा धोवा के एकदम पूरा मस्त होंगे।
और अभी हम लोग हवा लगा रहे हैं यहाँ बैठ के सभी को। मम्मी जी है, नीतू है, बाबू है, चांदनी, हम। तो अभी चांदनी का पापा के लिए अभी रोटी बनाएंगे, तो उसके लिए प्याज मिर्चा हाँ काटेंगे। तो अभी बाबू जाएगा ऊपर घर, क्योंकि यहाँ धूप लग रहा है ना इसीलिए, और फिर बाद में लाएंगे, उसके बाद नहला देंगे इसको। तो हम प्याज मिर्चा निकाल लेते हैं यहीं पर और यहीं पर काटेंगे, क्योंकि अंदर में बहुत गर्मी लग रहा है और आंसू भी आएगा, इसलिए बाहर ही निकाल लेते हैं प्याज। दरवाज़ा खोल लेते हैं, सूप में निकालेंगे। देखिए यहाँ प्याज है, अब इसको छील लेते हैं अच्छा से, बाहर बहुत धूप है। तो प्याज मिर्चा अच्छा से छील लिए हैं, अब इसको अच्छा से धो के और काटेंगे। तो प्याज मिर्चा अच्छा से काट लिए हैं, अब आटा के साथ मिलाते हैं इसको, अब अंदर में मिलाएंगे। इसको ऐसे करके अच्छा से मिलाएंगे। पहले जितना है आटा उसको हम रोटी बेल के और रख लेंगे, उसके बाद पकाते जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। तो नीचे पूरा सट जाए, हल्का आटा भी लगा लेते हैं। तो सारा हम बेल लेते हैं, पलट पलट के अच्छा से पका लेंगे, उसके बाद तेल डालेंगे। ऐसे ही एक एक करके सारा रोटी को पका लेते हैं। तो इतना सारा रोटी पका लिए हैं और एक ठो बचा है लास्ट वाला, इसको भी पका लेते हैं। तो सारा रोटी पक गया, अब गैस में बंद कर देते हैं। अब पहले हाथ पे धो लेते हैं, पर गर्मी लग रहा है, और इसको भी फुला देते हैं बाहर में नाम में। रोटी बना लिए हैं, अभी चांदनी के पापा को फिर वहाँ पहुँचा देंगे, फिर दो सोए हुए चांदनी के पापा पानी भी ले लेते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाए, तो बोले थे कि रोटी बना दीजिए, तो रोटी बना दी। नहीं मैंने ना कि धूप है गया ना दिन, मतलब दिन भर आना जाना धूप हो गया रहा था, फैन फैन अभी कितना धूप अभी धोखा मारता है इसके साथ।
और ये प्याज वाला रोटी है, ये प्याज रोटी है ना। तो चांदी के पापा खा लिए हैं, अब बाबू को नहला रही है ना। बाबू हाथ जरा नहा बोल रहे हैं कि नहाएगा, इसलिए तो पहले इसको नहला देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है इसको। तो बाबू भी नहा लिया और हम भी नहा लिए। बाबू देखते ही हंस रहा है और शाम होने चला, फिर भी अभी बहुत धूप लग रहा है। तभी चूल्हा जलाएंगे और चांदनी ऊ घर गई है खेलने के लिए, तभी गई लेकिन अभी से नहीं आई है। देखिए उधर से मम्मी जी आ रहे हैं। बाबू मोबाइल को देखता ना और हंसता है। जाओ बाबू, दादी पास जा, चलो बाहर में खाइए, चलो आ जाओ। और चांदनी खाना खा रही है बाहर में, तो चांदनी अभी कैमरा पकड़ देगी। तो अभी मैं चूल्हा जलाऊंगी, पहले कोयला दे लेते हैं नीचे में। पता नहीं जल गया, प्लास्टिक से जला लिए। अब यहाँ लकड़ी डाल देते हैं छोटा छोटा। पहले चूल्हा जला लेते हैं, क्या हुआ नहीं खाएगी। तो इधर अच्छा से चूल्हा जल गया है, पानी लाने जाएंगे तब से चूल्हा जल जाएगा आराम से। तो चूल्हा जलते जलते हम पानी लेके आते हैं और चांदनी चली गई, एकदम कुआं पास पहुंच गई। कुआं के पास पहुंच गए हैं तो हम लोग पानी उनी सब भर लिए हैं। देखिए डेकची में पानी है, हम लोग लेके और चलते हैं पानी। क्या हुआ, तो अभी हम पानी लेके चलते हैं। तो दाल का पानी चढ़ा दिए हैं और दाल को धो रहे हैं अच्छा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना, इसलिए बाहर नहीं खाना बना रहे। और उधर बाबू सोया हुआ है, दाल का पानी भी हो गया। दाल हल्दी नमक सब डाल दिए हैं, अभी ढक्कन है अपने को ले जाए, जैसे जैसे आँच लगी ना वैसे वैसे खोले। और इधर पानी घोल के रखिए तो हम भी पी लेते हैं, थोड़ा सभी कोई पी लिए हैं। चांदनी और पिएगी, इसमें घोलने के लिए अच्छा लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो अभी शाम को सभी बच्चे आए हैं यहाँ, देखिए बाबू सभी को यहाँ खेल रहे हैं और फुआ जी जाने लग गए हैं घर। और आप हम लोग का इधर दाल सीझ रहा है कोयला का चूल्हा में। तो दाल सीझते सीझते पूरा एकदम शाम हो गया। हाँ शाम हो गया बेटा। देखिए इधर नानी जी खाना खा रहे हैं, देखिए पूरा अच्छा लग रहा है मौसम। और चांदनी इधर खेल रही है। तो चांदनी के पापा चले गए हैं दवा करवाने के लिए और अभी हम खाना बना रहे हैं। दाल चावल बन गया है और खाली भुंजिया चढ़ा दिए हैं और कपड़ा भी नहीं उठाए हैं, तो अभी कपड़ा को उठा लेते हैं। तो कपड़ा सब उठा लिए हैं, देखिए नया वाला इन्वर्टर। अभी लाइन कटा हुआ है लेकिन जल रहा है हम लोग के घर में, क्योंकि इन्वर्टर है इसीलिए, नहीं तो अभी अंधेरा रहता हम लोग का घर। तो अभी सुबह हो गया है और धूप भी निकल गया है और कल आते आते पूरा रात हो गया। दवा करवा के आए थे चांदनी के पापा, तो फिर अभी सुबह में लेटे हुए हैं। देखिए इधर थोड़ा सा लेटे हुए, दवा हुआ खाए तो थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है ना। और इधर से मम्मी जी और पापा जी भी आ गए हैं। बाबू अभी खेल रहा है। अभी कैसा लगा है, तभी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा, इसलिए मम्मी जी और पापा जी बैठे हुए पूछ रहे हैं कि कैसा। कल ज़्यादा बुखार था, कल ज़्यादा था और कल ज़्यादा धूप भी था इसीलिए, और आज भी शायद निकलेगा धूप।
धूप में दो चार दिन ज्यादा दौड़े ना, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, दवा खाएंगे ठीक हो जाए, बड़ा इशू तो एक दो दिन, थोड़ा मोड़ा तबियत तो खराब होते रहता है। तो अभी खाना पीना भी बनाना है और चांदनी का पापा के लिए भी रोटी उटी बनाना है, क्योंकि खाएंगे फिर दवा भी खाना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।